Assalamu alaikum, dear students. I am Mrs. Saima Amir, Senior Subject Specialist Biology, serving in DPS Sahiwal. As you know that we people are studying chapter number 18, reproduction nowadays. And in your previous lesson, you studied about reproduction in plants. Today we will proceed a step ahead and we'll discuss the topics of photoperiodism and vernalization. So let's start our first topic, that is photoperiodism. Light exerts its influence on the living organisms through variations in the day length. यानी जितने भी living organisms हैं उनके ऊपर light का effect होता है और बहुत ज़्यादा effect होता है और ये basic effect cause करती है कि day length कितनी है, यानी कितनी duration के लिए organisms को light available होती है और इसी को हम photoperiod कहते हैं. And it is expressed in the form of flowering. Plants में ये जो effect है ये flowering की form में express होता है. यानी अगर वो उनके लिए favorite होगा, उनके लिए favorable होगा, तो उनमें flowering cause होगी. Maybe उनमें flowering जो है वो inhibit हो, it depends. लेकिन light का जो एक ultimate effect आता है plants में, वो flowering की form में हमें दिखाई देता है. It is very important phenomena in which light exerts an influence on the living organisms. Effects of photoperiod and temperature अभी हम देखते हैं. In plants, photoperiod and temperature affect flowering, fruit production, seed production, bud dormancy and seed dormancy. यानी plants में photoperiod और temperature. अब देखें photoperiod और temperature, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा interrelated हैं. किस तरीके से? क्योंकि फोटो पीरियड क्या है, वो ड्यूरेशन जितनी के लिए प्लांट्स को लाइट अवेलेबल है, और जाहिर है टेम्परेचर भी उसी के साथ अप एंड डाउन होता है, क्योंकि जब लाइट अवेलेबल होती है तो टेम्परेचर भी नो डाउट थोड़ा ज्यादा होता है, जब लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती है तो टेम्परेचर में भी थोड़ा सा डिक्रीज होती है. तो ये दोनों चीजें जो है ये कोरिलेटेड है और ये मिलकर इफेक्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं प्लांट्स में बहुत सारे फेनोमेनास को. जैसे फ्लावरिंग का फिनोमेना है, इससे इफेक्ट होता है, उनकी फ्रूट प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, सीड फॉर्मेशन और बड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी यानी बडिंग होनी है, बड ने फ्लावर में कन्वर्ट होना है, सीड की जर्मिनेशन होनी है या सीड ने एज इट इज सीड रहना है, ये सारी चीजें फोटो पीरियड और टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट होती है. When does photoperiod affect flowering? अब हम ये देखते हैं कि जो photoperiod है वो flowering को affect करता है, लेकिन किस stage पे करता है, किस step पे करता है, उसकी timing क्या होती है जब photoperiod जो है वो flowering cause करता है या flowering को inhibit करता है. Photoperiod affects flowering when the shoot meristem start producing floral buds instead of leaves and lateral buds. Actually ये shoot meristems जो होती है ना, meristematic tissues होती हैं plants में, और ये वो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स में ही होते हैं. एंड दे कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. इन मेरिस्टमैटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन बड़ी फास्ट होती है, यानी ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और ये डिवाइड होते हैं और बडिंग इनकी वजह से होती है. तो जब शूट मेरिस्टम्स जो हैं वो बजाय इसके कि लीव्स और लेटरल बड्स बनाए, वो फ्लावरिंग बड्स या फ्लोरल बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू करती हैं, तो उस वक्त उस स्टेज पे फोटोपीरियड जो है वो फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू साइंटिस्ट, गैनर एंड एलर्ट. दीज टू साइंटिस्ट इन 1920 स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम द इफेक्ट ऑफ फोटोपीरियडिज्म. इन दोनों का रोल फोटोपीरियडिज्म में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफा फोटोपीरियडिक इफेक्ट को, फोटोपीरियड को स्टडी किया, और इन्होंने बताया था कि लाइट का या फ्लावरिंग जो है वो लाइट की वजह से रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड है या उसका कोई इफेक्ट होता है, चाहे वो एक स्टिमुलेटर की फॉर्म में हो या वो इनहिबिटर की फॉर्म में हो. दिस स्टडी दैट द टोबैको प्लांट कैन फ्लावर ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू अ सीरीज ऑफ शॉर्ट डेज. इनका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था गैनर और एलर्ट का, वो टोबैको प्लांट के ऊपर इन्होंने काम किया था और उसमें उन्होंने स्टडी किया था कि ये शॉर्ट डेज में इसकी फ्लावरिंग जो है वो कॉज होती है. टोबैको प्लांट नेचुरली फ्लावर्स अंडर द सेम कंडीशंस इन ऑटम सीजन.
ऑटम सीजन अगर हम देखें तो उसमें टेम्परेचर तो थोड़ा हाई ही होता है, इतना लो नहीं होता, लेकिन उसमें डेज जो है वो थोड़े शॉर्टर होना शुरू हो जाते हैं. एंड बट इट्स फ्लावरिंग कुड बी इंड्यूस्ड बाय कंडीशंस आर्टिफिशियली टू द शॉर्ट डे एक्सपोजिंग. कि अगर हम टोबैको प्लांट को आर्टिफिशियली उस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करें, शॉर्ट डेज की कंडीशंस, तो लॉन्ग डेज में भी इसकी फ्लावरिंग हो सकती है. यानी बेसिकली तो इसकी फ्लावरिंग होती है शॉर्ट डेज में, लेकिन अगर इसको आर्टिफिशियली इस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड की जाए तो शॉर्ट डेज में भी इसकी फ्लावरिंग पॉज की जा सकती है. विथ फर्दर स्टडीज दे वर एबल टू क्लासिफाई द फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू टू कैटेगरीज, द लॉन्ग डे प्लांट्स विच रिक्वायर द लॉन्ग डेज फॉर फ्लावरिंग, यानी वो प्लांट्स जिनके लिए लंबा फोटो पीरियड रिक्वायर होता है, उनकी फ्लावरिंग उस सीजन में होती है जब दिन काफी लंबे होते हैं, फोटो पीरियड ज्यादा होता है और ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए सनलाइट प्लांट्स को अवेलेबल होती है. एंड सेकेंडली द डे न्यूट्रल प्लांट्स. डे न्यूट्रल प्लांट्स एज द नेम शोज न्यूट्रल, के उनको कम या ज्यादा होने से इफेक्ट नहीं होता. द प्लांट्स विच फ्लावर विदाउट बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोटो पीरियड, कि ये हर सीजन में इनके फूल खिलते हैं, इनके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होता कि डेज शॉर्ट आ रहे हैं या डेज लॉन्ग आ रहे हैं. तो गैनर और एलर्ट ने टोबैको प्लांट से अपना काम शुरू किया, उसको उन्होंने स्टडी किया और करते करते वो इस मजीद रिजल्ट तक आए कि प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है. फर्दर स्टडीज इंडिकेटेड दैट इट इज रियली द लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड विच इज क्रिटिकल. बाद में रिसर्च से ये पता चला कि एक्चुअली ये डे की लेंथ नहीं है, ये बल्कि उसके अकॉर्डिंगली जो नाइट का पीरियड होता है, जो डार्कनेस का पीरियड है, वो इफेक्ट करता है. यानी अभी हमने जो बात की थी ना शॉर्ट डे प्लांट्स की, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स आर लॉन्ग नाइट प्लांट्स. ठीक है, यानी शॉर्ट डे अगर होगा तो नाइट लॉन्ग होगी ना, तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स है वो एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स होती है. तो जो प्लांट के लिए उनकी फ्लावरिंग के लिए फेवरेबल या उसको इनहांस करने वाला ड्यूरेशन होता है वो डे की लेंथ नहीं होती है, बल्कि उसके साथ जो अटैच होती है नाइट की ड्यूरेशन, वो इफेक्ट करती है. तो शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहा जा सकता है. एंड दस द शॉर्ट डे प्लांट्स दे आर रियली द लॉन्ग नाइट प्लांट्स. इफ दे आर ग्रोन इन द शॉर्ट डेज बट द लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट लाइट पीरियड, देयर फ्लावरिंग इज प्रिवेंटेड. अगर हम देखें कुछ ऐसे प्लांट्स को जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स होती हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या हैं कि उनकी फ्लावरिंग उस सीजन में होती है जब डेज शॉर्ट होते हैं. अब जब हमने रिसर्च से ये बात पता चलाई है कि दिस इज एक्चुअली द नाइट ड्यूरेशन, द लॉन्ग नाइट, शॉर्ट डे के पीछे जो लॉन्ग नाइट है डेट इज इफेक्टिंग द फ्लावरिंग, तो उस केस में अगर लॉन्ग नाइट को प्रिवेंट किया जाए, अगर लॉन्ग नाइट को बार बार इंटरप्ट किया जाए प्लांट को लाइट की अवेलेबिलिटी करके, यानी उसको लाइट प्रोवाइड किया जाए की जाए कुछ ड्यूरेशन के बाद, तो उसके लिए ये एक मिस्टेकनली प्लांट ये समझ लेता है, उसको एक गलत फहमी ये हो जाती है कि ये लॉन्ग नाइट नहीं है बल्कि ये शॉर्ट नाइट है, क्योंकि उसकी लंबे वाली जो नाइट पीरियड है उसको तो हमने इंटरप्ट कर दिया ना, उसको तो हमने डिस्टर्ब कर दिया, उस डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी जो लॉन्ग नाइट की फीलिंग है वो खराब हो गई, अब वो शॉर्ट नाइट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी फ्लावरिंग भी इफेक्ट होती है, फ्लावरिंग उसकी प्रिवेंट हो जाती है बिल्कुल. एंड द लॉन्ग डे प्लांट्स, अब देखें लॉन्ग डे प्लांट्स क्या हुए, शॉर्ट नाइट प्लांट्स. लॉन्ग डे प्लांट्स विल फ्लावर इन द शॉर्ट डेज इफ द लॉन्ग नाइट पीरियड इज प्रिवेंटेड. ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स जो कि लॉन्ग डेज में करते हैं वो शॉर्ट डेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट डेज के साथ जो लॉन्ग नाइट है वो इंटरप्ट कर दी गई है. जब लॉन्ग नाइट इंटरप्ट होती है तो उनको शॉर्ट नाइट की फीलिंग हो जाती है, और शॉर्ट नाइट के साथ वो लॉन्ग डे वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, इस वजह से उनकी फ्लावरिंग लॉन्ग डे की बजाय शॉर्ट डेज में भी करवाई जा सकती है. Let's see the classification of plants according to the photoperiodic requirements for flowering. Plants can be classified as short day plants. इनको हम short form में या abbreviation में STPs भी कहते हैं. Long day plants, इन्हें हम abbreviation में LDPs भी कहते हैं. And the day neutral plants, DNPs.
यानी प्लांट्स के ऊपर जब फर्दर रिसर्च की गई फोटो पीरियड के और फ्लावरिंग के रेफरेंस से, तो उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड द डे न्यूट्रल प्लांट्स। ओके बेटा, अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, इनको ये क्यों नेम आउट किया गया है। लेट्स सी फर्स्ट द शॉर्ट डे प्लांट्स, एसडीपीस, फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय द डार्क पीरियड्स लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। शॉर्ट डे का मतलब है लॉन्ग नाइट, कि इन फ्लावर्स में जो फ्लावरिंग होती है वो डार्कर पीरियड उसके लिए लॉन्गर होता है, क्रिटिकल, एक जो मिनिमम लेंथ कंसीडर की जाती है ना नाइट ड्यूरेशन के, उससे लंबा इनका, क्रिटिकल लेंथ से लंबा इनका डार्कर पीरियड होता है। एस इन कोकल बर्ड डेट इज 8.5 आवर, उसमें होती है डार्कर पीरियड की ड्यूरेशन। एंड टोबैको प्लांट में 10 to 11 आवर्स का डार्कर पीरियड या उसका जो नाइट पीरियड होता है वो इससे लंबा होता है, इस वजह से उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। एंड अंडर नेचुरल कंडीशंस इक्विवेलेंट टू द डे इज शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ एज इन कोकल बर्ड 15.5 आवर्स एंड इन टोबैको 13 to 14 आवर्स। यानी ये वो है प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, जिन्हें हमने कहा इनमें जो डार्कर पीरियड की लेंथ है वो क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कोकल बर में 8.5 आवर्स से लंबी रात होनी चाहिए और टोबैको प्लांट के लिए 10 टू 11 आवर्स से लॉन्गर ड्यूरेशन का डार्क पीरियड चाहिए। और नेचुरल कंडीशंस में इनके जो फ्लावरिंग होती है उसके लिए डे की लेंथ जो है वो छोटी होती है। कोकल बर में 15.5 आवर्स से छोटा दिन होता है तो इसकी नेचुरली फ्लावरिंग होती है, और टोबैको में 13 टू 14 आवर्स से छोटा दिन या डे टाइम या फोटो पीरियड होता है तो इसकी फ्लावरिंग नेचुरली होती है। यानी इन दोनों प्लांट्स में जो डार्कर पीरियड की लेंथ है वो क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए और जो डे लेंथ है वो क्रिटिकल लेंथ से कम होनी चाहिए तो इनमें फ्लावरिंग होती है। एग्जाम्पल्स आर कोकल बर, क्रिसेंथेमम, सोयाबीन, टोबैको, स्ट्रॉबेरी। यानी ये वो प्लांट्स हैं जिनमें नेचुरली फ्लावरिंग उस सीजन में होती है जब डेज जो हैं वो क्रिटिकल लेंथ से छोटे होते हैं और नाइट्स जो हैं या डार्कर पीरियड जो हैं वो क्रिटिकल लेंथ से बड़ा होता है, इसीलिए इनको शॉर्ट डे प्लांट्स या एसडीपीस भी कहा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग डे प्लांट्स और एलडीपीस। फ्लावरिंग इंड्यूस्ड बाय द डार्क पीरियड शॉर्टर देन अ क्रिटिकल लेंथ, यानी इनमें जो डार्कर पीरियड है वो क्रिटिकल लेंथ से छोटा होना चाहिए। डार्क पीरियड छोटा होगा तो डे पीरियड या फोटो पीरियड बड़ा होगा, इसलिए इनको लॉन्ग डे या शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहा गया है। इसके एग्जांपल में हैंडन है, इसमें जो डार्कर पीरियड की लेंथ है वो क्रिटिकल लेंथ 13 आवर से छोटी होनी चाहिए, यानी नाइट पीरियड या डार्कर पीरियड छोटा होना चाहिए और डे लेंथ जो है वो इनमें ज्यादा होती है। Under natural conditions, equivalent to the days, longer than a critical length, as in henbane 11 hours. यानी henbane में जो naturally एक darker period की length है वो 13 hours से छोटी होनी चाहिए और जो day length है, long day की length है वो 11 hours से ज्यादा होनी चाहिए, इसमें naturally flowering cause होती है। Examples are henbane, snapdragon, cabbage, spring wheat, spring barley. इसके अलावा भी और काफी एग्जांपल्स हैं जो इन एलडीपीस प्लांट्स में आ जाती हैं, यानी लॉन्ग डे प्लांट्स या शॉर्ट डे प्लांट्स में। अब जरा एक दफा फिर देखते हैं कि इन्हें हमने लॉन्ग डे प्लांट्स क्यों कहा, क्योंकि इनमें जो डार्कर पीरियड है डेट मस्ट बी शॉर्टर देन द क्रिटिकल लेंथ एंड द डे लेंथ और द लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड इट मस्ट बी लॉन्गर देन द क्रिटिकल लेंथ। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है हैंडबेन में जो डार्कर पीरियड की लेंथ है इट मस्ट बी शॉर्टर देन 13 आवर एंड द लॉन्ग डे और द डे फोटो पीरियड की जो ड्यूरेशन है इट मस्ट बी लॉन्गर देन द 11 आवर। डे न्यूट्रल प्लांट्स डीएनपीस, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द फोटो पीरियड, के इनमें डेज लॉन्ग आ रही हैं, नाइट शॉर्ट आ रही हैं, डेज शॉर्ट है, नाइट लॉन्ग है, इट डजंट मैटर, इनमें डे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता और हर सीजन में शॉर्ट डेज में भी लॉन्ग डेज में भी इन क्रॉप्स को ग्रो करवाया जा सकते हैं, इन प्लांट्स की फ्लावरिंग होती है
एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फोटो पीरियड. एग्जाम्पल्स आर कुकम्बर, टोमेटो, गार्डन पी, मेज, कॉटन. ये इन सीजन्स में ये डे न्यूट्रल है, सीजन की ये हर सीजन में ग्रो करवाई जा सकती हैं वैरायटीज. Now we will study the effect of the red light on germination. Red light promotes the germination of some seeds, as in lettuce varieties. इनमें germination को ये promote करती है. इसके seed जब लगाए जाते हैं तो उसकी dormancy break होती है जल्दी और germination start होती है. Plants formation, seedling बनना शुरू होते हैं, plants बनना शुरू हो जाते हैं red light की वजह से. And it also promotes the germination of fern spores. कि ferns की variety भी इसकी वजह से उनके spores जल्दी उनको suitable place में adjust होते हैं और वो grow करना शुरू कर देते हैं. Now we will discuss the effect of red light on photomorphogenesis. But before this, we must have a look what is photomorphogenesis. Photo means light, morph means structure. यानी photomorphogenesis. It's the light control development of the form and structure. Plants की form, उनकी structure, उनकी look को जो control करती है light, that is called photomorphogenesis. कि plants की structure से लेकर उनकी flowering तक, उनकी fruit formation, उनकी seed formation, everything is affected by light and is controlled by light. So this is called photomorphogenesis. Red light promotes leaf expansion in dicotyledons. Dicotyledons का तो आपको पता होगा ना कि dicot varieties जो होती हैं, जिनके seed में two cotyledons होती हैं, इनके leaf expanded होते हैं, चौड़े होते हैं, फैले हुए leaves होते हैं इनके. तो red light इनके leaves को expand करवाने में help करती है, उनकी expansion को promote करती है. And leaf unrolling in case of grasses or monocotyledons. Monocotyledons, those plants which are having only one cotyledon in their seeds. और grasses उसकी एक बहुत clear example है monocots की. तो grasses में leaves को unroll करवाती है. अगर आप कभी grasses को देखें तो इनमें जो new leaves हैं वो अंदर की तरफ से निकल रहे होते हैं और वो roll किए होते हैं पहले. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अनरोल होते हैं और उसके अंदर से कोई नया रोल फॉर्म में लीफ बनना शुरू हो जाता है. तो रेड लाइट उनके लीफ की अनरोलिंग को प्रमोट करती है. द क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय द रेड लाइट. एटियोप्लास्ट इज कन्वर्टेड टू क्लोरोप्लास्ट. यानी रेड लाइट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन को प्रमोट करती है. Ethioplasts भी chloroplasts ही होती हैं, but they have not been exposed to light. यानी अगर किसी प्लांट को डार्कनेस में रख दिया जाए, उसको अंधेरे में रख दिया जाए, तो उसका क्लोरोप्लास्ट जो है वो ethioplasts में कन्वर्ट हो जाता है. हम कह सकते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट की, जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, क्योंकि डार्कनेस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है ना. एंड दे आर यूजली फाउंड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रोन इन द डार्क. और अगर इन प्लांट्स को लाइट अवेलेबल हो जाए तो एटियोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है. तो रेड लाइट जो है वो एटियोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट करती है, उनको एक्टिव करती है, फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करती है. रेड लाइट ऑल्सो प्रमोट्स ग्रीनिंग, लश ग्रीन करती है प्लांट्स को. प्रोटोक्लोरोफिल इज कन्वर्टेड टू क्लोरोफिल. Protochlorophyll is a green colored pigment and that is present in the etiolated leaves basically. On leaves में होता है जो कि darkness में होती हैं, जो अंधेरे में पौधे पड़े होते हैं, जिनके लिए sunlight available नहीं होती है, उनमें protochlorophyll present होता है. और जब इसको light available होती है तो protochlorophyll जो है वो chlorophyll में convert हो जाता है. Plant जो है वो एक lush green look में आ जाता है. And the red light promotes all this phenomena. Red light inhibits the internode growth. Epicotyl, hypocotyl, mesocotyl, इनकी growth को ये inhibit करती है. Internode is the place between two nodes. जहाँ से branch से leaf निकलता है उस जगह को हम node कहते हैं. और दो nodes की जो दरमियान की central जो location या place होती है that is called internode. तो internode की growth को ये कम करती है, etiolation को avoid करती है. यानी plant जो है
वो ज्यादा हाइट में बड़ा नहीं होता बल्कि वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है और उसमें फ्लावरिंग प्रमोट होती है. रेड लाइट ऑल्सो प्रमोट्स द अनहुकिंग ऑफ द पीटियोल इन डाइकोटिलेडंस. इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन फोटोपीरियोडिज्म विल बी डिस्कस्ड नाउ. रेड लाइट स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स. अब देखें दोनों तरह के प्लांट्स के ऊपर रेड लाइट का इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट होता है. जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग प्रमोट होती है, ज्यादा होती है, और जो शॉर्ट डे प्लांट्स होती हैं उनमें फ्लावरिंग इनहिबिट होती है रेड लाइट की वजह से. नाउ वी विल डिस्कस द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइट. एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द क्वांटिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट. यानी लाइट की क्वांटिटी जो प्लांट के लिए अवेलेबल होती है और उसकी क्वालिटी, ये दोनों चीजें कोरिलेटेड होती हैं और दोनों मिलके इफेक्ट कॉज करती हैं प्लांट के बहुत सारे फिनोमेनास पे, स्पेशली उसकी फ्लावरिंग को ये कंट्रोल करती हैं. कोकलबर्ग, अभी प्लांट उसको हमने डिस्कस किया, अ शॉर्ट डे प्लांट विल नॉट फ्लावर इफ इट्स लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड. शॉर्ट डे प्लांट है ना, तो उसको हमने अभी बात की थी ना कि शॉर्ट डे मीन लॉन्ग नाइट. अगर उसकी लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट किया जाए, इंटरप्ट करने का तरीका क्या है कि वो जितना डार्कर पीरियड है उसमें कुछ ड्यूरेशन के बाद उसके लिए लाइट अवेलेबल की जाए, फिर लाइट ऑफ कर दी जाए, फिर उसके लिए लाइट अवेलेबल की जाए, फिर लाइट ऑफ कर दी जाए, तो बार बार उसकी जो लॉन्ग नाइट इंटरप्ट होती है, उसकी जो डार्कनेस वाली फीलिंग है, लॉन्ग नाइट की फीलिंग उसकी खराब हो जाएगी ना, तो वो तो शॉर्ट नाइट वाली हो जाएगी, तो उसकी फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि वो शॉर्ट डे होने के साथ साथ लॉन्ग नाइट प्लांट भी है. एंड रेड लाइट इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग. अभी हमने बात की थी कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनमें रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रिवेंट करती है, तो इसलिए कोकल बर में ये फ्लावरिंग को प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है, इनहिबिट करती है. एंड फॉर रेड लाइट इट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ द रेड लाइट. इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है रेड लाइट से, यानी फार रेड लाइट जो होगी वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगी. द लास्ट लाइट ट्रीटमेंट ऑलवेज डिटरमिन्स द रिस्पॉन्स. अब देखिए एक प्लांट की लॉन्ग नाइट है, उसकी लॉन्ग नाइट को हम बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, उसको उसके लिए लाइट अवेलेबल कर रहे हैं, तो उसकी लॉन्ग नाइट की फीलिंग जो है वो खराब हो रही है. अब प्लांट के ऊपर फाइनल इफेक्ट क्या होगा, वो क्या समझेगा कि ये नाइट है या डे टाइम है. उसके लिए जो लाइट की लास्ट फीलिंग होगी, लास्ट ट्रीटमेंट जो हमने किया होगा, लास्ट में हमने उसके लिए लाइट अवेलेबल की है, तो वो डे की कंसिडरेशन में आ जाएगा. अगर आखिरी उसका जो ट्रीटमेंट है वो डार्कनेस का था तो वो नाइट की फीलिंग में चला जाएगा. यानी जो लास्ट लाइट ट्रीटमेंट है डेट इज मोस्ट प्रोबेबली इट डिटरमिन्स द रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग. ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं. The response to the light quantity and quality led to the discovery of the blue light sensitive proteins which are called phytochromes. जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि प्लांट्स के अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं जो लाइट को सेंस करती हैं. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड फाइटोक्रोम्स. फाइटोक्रोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स इन द प्लांट्स, P660 एंड P730. एक्चुअली ये दोनों पीस फॉर फाइटोक्रोम्स, तो इसकी ये जो दो फॉर्म्स हैं ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं और इनमें थोड़ी सी इसकी पीक में डिफरेंस होते हैं कि एक 660 नैनोमीटर पे उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, दूसरी की 730 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होती है. इस वजह से इनमें ये थोड़ी सी वेरिएशन है. P660 इज अ क्विसेंट फॉर्म, absorbs red light at a wavelength of 660 nanometer and is converted to P730. And P730 absorbs far red light at 730 nanometer and is converted to P660. Yani P660 jo hai wo red light ko absorb karta hai aur P730 mein convert hona shuru ho jata hai. Jab wo sara convert ho jata hai to P730 jo hai wo far red light ko absorb karta hai aur P660 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. तो यानी ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स होती हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. लेट्स सी हाउ डज द कन्वर्जन ऑफ P660 टू P730 अकर इन द प्लांट्स.
In nature, T660 to T730 conversion takes place in daylight. यानी plants में दिन के time में, day time में T660 जो है वो T730 में convert होता है. It means कि अगर हम day time में plants को study करें तो हमें उनमें जो phytochrome मिलेगा वो T730 होगा. क्योंकि T660 जितना भी है वो day time में red light को absorb करता रहता है और T730 में convert हो जाता है. And T730 to T660 conversion occurs in the dark. रात के टाइम में प्लांट में हमें जो फाइटोक्रोम मिलता है वो T730 होता है, क्योंकि दिन के टाइम में हमें प्लांट्स में जो फाइटोक्रोम मिलता है वो T730 होता है और रात में T730 जो है वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है और T660 में कन्वर्ट होता है. इट मींस इन द डार्क और एट नाइट we find only P660 in the plants. Thus, during the day, a plant has P730 phytochromes and during the night, it has more phytochromes in the form of P660. The presence of either form provides the plant with the means of detecting whether it is light or dark environment. Yani, agar plants ke andar P730 zyada hai, तो उससे वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर डिटेक्शन हो जाती है कि ये लाइट का पीरियड चल रहा है या ये दिन का टाइम जा रहा है. और रात में शाम में चूंकि P730 जो है वो P660 में कन्वर्ट होता रहता है, तो उनके अंदर जब P660 ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि ये डार्क एनवायरनमेंट है या नाइट टाइम चल रहा है उनका. The rate at which P730 is converted to P660 provides the plant with a clock for measuring the duration of the darkness. कि P730 जो है वो P660 में convert होता है और ये P660 में convert होता है रात के time में. जब ये P660 में convert होता है तो plant उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि night जो है वो short है या long है. अब देखें, अगर तो नाइट शॉर्ट होगी तो दिन के टाइम में जितना भी P730 बना है वो सारे का सारा P660 में अभी कन्वर्ट नहीं होगा और रात खत्म हो जाएगी. उससे प्लांट को अंदाजा हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट नाइट थी. और अगर P730 जो है वो सारे का सारा P660 में कन्वर्ट हो गया तो प्लांट ये समझेगा, उसको ये पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग नाइट है. या अगर और भी लंबी रात या लॉन्गर नाइट होगी तो सारे का सारा P730 जो है वो P660 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर भी अभी डार्कनेस होगी. दैट वी क्लॉक इससे पता चलता है, उनको क्लॉक की तरह मेजरमेंट होती है कि ये डार्कनेस है या ये लॉन्ग नाइट्स का पीरियड चल रहा है. अगेन वी विल सी द इंटर कन्वर्जन ऑफ P730 टू P660 इन डिटेल. रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट्स and it promotes flowering in the long day plants. Abhi humne isko pehle bhi dekha tha. And this observation has led to the hypothesis that the P730 to P660 interconversion might be the plant time regulator for flowering. Ke raat mein jo P730 P660 mein convert hota hai, usse plant ye andaaza lagate hain ki ye longer night hai ya shorter night hai, jisse wo flowering apni promote kar sakti hai ya phir inhibit kar sakti hai. अगर लॉन्गर नाइट होंगी तो इसका मतलब है वो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग जो है वो फिर रेड लाइट से इनहिबिट होती है. और अगर सारे का सारा P730 P660 में कन्वर्ट हो गया है तो वो लॉन्ग नाइट है और अगर लॉन्ग नाइट है तो वो शॉर्ट डे होगा और अगर शॉर्ट डे है तो लॉन्ग नाइट होगी. उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स अपनी फ्लावरिंग को एडजस्ट करती हैं. According to this hypothesis, P730 converted from P660 by the absorption of red light would inhibit flowering in the short day plants, but it promotes flowering in the long day plants. Let's see the interconversion of P730 to P660 at night, and it is very important phenomena for the plants because इसी से plant ये judge करते हैं कि ये night longer हैं या night shorter हैं. Because P730 accumulates in the day and diminishes at night. क्योंकि दिन के टाइम में P660 P730 में कन्वर्ट होता है तो डे टाइम में प्लांट्स में P730 accumulate होता है and it diminishes at night. रात को खत्म होता है because at night P730 is converted to P660
So the long day plants could flower only if the night were long enough, during which a great amount of T730 would not be completely activated. ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स का मतलब क्या है? रात छोटी है तो दिन में जितना P730 बना है वो अभी P660 में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी P730 मौजूद है और रात खत्म हो गई. तो प्लांट इससे पता चलाएंगे कि ये शॉर्ट नाइट है या लॉन्ग डे है, सो दैट इनफ P730 वुड रिमेन एट द एंड ऑफ द नाइट टू प्रमोट फ्लावरिंग. ठीक है, और रात खत्म होने के बाद भी अगर P730 कुछ बाकी है, दैट मीन्स के डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, तो उससे प्लांट्स अपनी फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम मेजरिंग फिनोमेना ऑफ फ्लावरिंग. इट इज जनरली अग्रीड दैट द टाइम मेजरिंग फिनोमेना ऑफ फ्लावरिंग इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय द इंटर कन्वर्जन ऑफ P660 टू P730. यानी जो P660 P730 में कन्वर्ट होता है डे टाइम में, ये कोई अलोन फैक्टर नहीं है, ये कोई सिंगल या सोल फैक्टर नहीं है जो कि प्लांट्स में फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है, बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स व्हिच आर आल्सो इन्वॉल्व्ड एज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, लेंथ ऑफ द लाइट और द डार्क पीरियड, एंड फाइटोक्रोम्स व्हिच सीम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ ईदर लाइट और डार्कनेस. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं प्लांट्स में. देयर इज अ हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड द फ्लोरेजिन हार्मोन, वी विल टॉक अबाउट इट नाउ. द बायोलॉजिकल क्लॉक वंस स्टिमुलेटेड कॉजेस द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेजिन हार्मोन इन द लीव्स. लीव्स में एक हार्मोन बनता है दैट इज कॉल्ड द फ्लोरेजिन हार्मोन, और ये लॉन्ग नाइट या शॉर्ट नाइट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं. It travels through the phloem to the floral buds and initiates flowering. यानी ये जो फ्लोरेजिंग हार्मोन है ये लीव्स में बनता है और वहां से लीव से ये फोटोसिंथेट के साथ जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स ने बनाया होता है फोटोसिंथेसिस से, उसके साथ ये फ्लोएम में ट्रेवल करता है, ट्रांसलोकेट होता है फ्लोएम के जरिए और फ्लोरल बड्स तक आता है और वहां आकर ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है. सो दिस इज द हार्मोन विच has very important effect on flowering phenomena in plants. Okay, beta, now we will talk about the next topic of our today's lecture, that is vernalization. The low temperature stimulus received by the shoot apex of a mature stem or embryo of the seed. Vernalization ko commonly low temperature treatment ya chilling bhi kaha jata hai. और शूट की जो एपिक्स होती हैं, जो टिप्स होती हैं, वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं स्टेम की, वो इस लो टेम्परेचर को फौरन रिस्पॉन्स करती हैं, या सीड का एम्ब्रियो इसको रिस्पॉन्स करता है और वो उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है. द स्टिमुलस इज नॉट रिसीव्ड बाय द लीव्स एज इन फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म अभी हमने पढ़ा ना, उसमें जो स्टिमुलस है वो लीव्स के ऊपर इफेक्ट करता है, लीव्स सबसे पहले इफेक्ट होते हैं और वो आगे रिस्पॉन्स शो करते हैं. लेकिन वर्नलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, इसमें जो स्टिमुलस का इफेक्ट होता है वो या तो शूट की एपिक्स पे टिप्स पे होता है या फिर सीड के एम्ब्रियो इसकी वजह से इफेक्ट होते हैं. बाइनियल्स एंड पेरिनियल प्लांट्स आर स्टिमुलेटेड टू फ्लावर बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर. वो प्लांट्स या वो क्रॉप्स जो 2 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लगते हैं, उनमें स्पेशली लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, उनकी फ्लावरिंग इसके साथ बहुत ज्यादा प्रमोट होती है. टेम्परेचर फॉर वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन में भी हमने बात की कि लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. अभी जरा देखते हैं कि लो कितना होना चाहिए. फॉर सम प्लांट्स वर्नलाइजेशन इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट. कुछ प्लांट्स में वर्नलाइजेशन के बगैर फ्लावरिंग ही नहीं होती, उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है, लाजमी होता है. एंड इन सम केसेस इट सिंपली असिस्ट इन इंड्यूसिंग फ्लावरिंग. कुछ में ये सिर्फ असिस्ट करता है, ये एक सेकेंडरी फैक्टर का काम करता है कि इसके बगैर भी फ्लावरिंग हो जाती है, ये फ्लावरिंग को सिर्फ थोड़ा बहुत उसको प्रमोट कर सकता है, उसको मजीद स्टिमुलेट कर सकता है. इतना इसके बगैर फ्लावरिंग पॉसिबल है उनमें. The duration of the low temperature treatment required varies from 4 days to 3 months.
यानी इस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन है मिनिमम 4 डेज होती है और मैक्सिमम 3 मंथ्स तक इसका इफेक्ट होता है. एंड टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव फॉर वर्नलाइजेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट के लिए. वर्नलिन हार्मोन एक हार्मोन होता है जो कि वर्नलाइजेशन को इफेक्ट करता है. द लो टेम्परेचर स्टिमुलस The low temperature stimulates the production of vernalin hormone which induces vernalization and it is now believed that vernalin is nothing special but actually is gibberellin. ये gibberellin से मिलता जुलता है, बहुत ज्यादा उससे similar होता है chemically, chemical composition में. और ये बात इसकी सिर्फ ये है कि ये flowering के time में, ये low chilling के, ये chilling treatment के result में cause होता है और फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है, इसीलिए इसको वर्नलिन हार्मोन भी कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वर्नलाइजेशन. फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन दे सर्व टू सिंक्रोनाइज द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ प्लांट्स विद देयर एनवायरनमेंट. फोटोपीरियोडिज्म का इफेक्ट क्या है कि लाइट की ड्यूरेशन कैसे इफेक्ट करती है फ्लावरिंग पे, और वर्नलाइजेशन है चिलिंग ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो कि प्लांट्स में फ्लावरिंग को इफेक्ट करती है. बेसिकली ये दोनों अलग अलग डिफरेंट फिनोमेनास हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और उनको अपनी एनवायरमेंट के साथ बेटर सूटेबल बनवाते हैं. इट इंश्योर्स द रिप्रोडक्शन एट द फेवरेबल टाइम्स ऑफ द ईयर. जो फ्लावरिंग के लिए फेवरेट सीजन होता है प्लांट्स के लिए, ये वर्नलाइजेशन इंश्योर करती है कि प्लांट्स की जो फ्लावरिंग है वो एक अच्छे सीजन में हो. इट ऑल्सो इंश्योर दैट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज फ्लावर एट द सेम टाइम. एक ही स्पीशी है, बहुत सारी जगहों पर लगी हुई है, लेकिन उस सारी स्पीशी के वो जहां जहां भी लगी हुई है उसका फ्लावरिंग सीजन एक ही होता है, और ये वर्नलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल होता है. It encourages cross-pollination for the genetic variability. अब देखिए, एक ही स्पीशी है, वो बहुत सारी जगहों पे जब उसकी फ्लावरिंग एक ही टाइम में होगी तो इसकी वजह से उसकी cross-pollination पॉसिबल होगी, बल्कि इनहेंस होगी. तो जब cross-pollination होगी उसमें meiosis होगी, उसमें न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, और इन न्यू जेनेटिक वेरिएशन की वजह से प्लांट्स जो है वो बेटर adaptable हो जाती है अपनी environment के. तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा advantages होती है plants के लिए. इसके साथ ही हमारा आज का lecture खत्म होता है. अब हम इसका एक छोटा सा recap लेते हैं कि हमने आज के lesson में कौन कौन से important points जो हैं वो हमने discuss किए हैं. First of all we studied the effects of photoperiod and temperature. हमने फोटो पीरियड में वो ड्यूरेशन देखी, वो पीरियड को देखा जिसमें प्लांट्स के लिए लाइट अवेलेबल होती है. लाइट की अवेलेबिलिटी का पीरियड और टेम्परेचर, ये दोनों मिलकर प्लांट के बहुत सारे फिनोमिनास को कंट्रोल करती हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो है वो फ्लावरिंग भी है. इसके बाद हमने गार्नर और एलेट, दो साइंटिस्ट हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटो पीरियडिज्म में, उन्होंने टोबैको प्लांट के ऊपर स्टडी किया था, उसको हमने देखा, उनके काम को हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से स्टडी किया कि टोबैको प्लांट्स जो कि शॉर्ट डे प्लांट हैं उसमें फ्लावरिंग होती है, और शॉर्ट डे प्लांट्स की फ्लावरिंग के साथ ये भी होता है कि उसके साथ जो डार्कर पीरियड है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. एक्चुअली द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड विच इज इफेक्टिव नॉट द लाइट पीरियड, के शॉर्ट डे के साथ जो लॉन्ग नाइट होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है. इसी तरह से लॉन्ग डे के साथ जो शॉर्ट नाइट है वो डार्कर पीरियड जो है दैट इज मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग फ्लावरिंग इन प्लांट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हमने देखी, जिसमें हमने लॉन्ग डे प्लांट्स देखे. लॉन्ग डे प्लांट्स वो हैं जिनमें फ्लावरिंग उस सीजन में होती है जब डे लेंथ क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होती है और नाइट की जो लेंथ है वो क्रिटिकल पीरियड से कम होती है. शॉर्ट डे प्लांट्स में हमने उन प्लांट्स को देखा जिनके लिए डे लेंथ जो है वो क्रिटिकल लेंथ से कम होती है, और जो डार्कर पीरियड की लेंथ है वो क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होती है. फिर हमने डे न्यूट्रल प्लांट्स को देखा विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड, जिनके लिए लाइट के ड्यूरेशन का, शॉर्ट डेज का या लॉन्ग डेज का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इन चीजों से इंडिपेंडेंट होते हैं
और हर सीजन में उनकी क्रॉप्स जो हैं वो बड़ी इजीली ग्रो भी करती हैं और उनकी फ्लावरिंग भी होती है। इफेक्ट ऑफ रेड लाइट हमने देखा जर्मिनेशन पे, क्योंकि रेड लाइट जो है वो कुछ सीड्स की जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, जैसे लेटिस वराइटीज में, और फर्न्स के स्पोर्स की जर्मिनेशन को भी ये प्रमोट करती है। रेड लाइट के इफेक्ट को हमने देखा फोटोमॉर्फोजेनेसिस में, कि रेड लाइट जो है वो किस तरह से प्लांट्स के डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, उनके फिनोमेनास को कंट्रोल करती है। जैसे मोनोकॉट्स में लीव्स की अनरोलिंग होती है, तो डाइकॉट्स के लीव जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं, चपटे होते हैं, फैलते हैं। इसी तरह से इंटरनोड की लेंथ को ये कम करती है, प्लांट्स में प्लूम्यूल की अनहुकिंग करवाती है, उनकी ग्रीनिंग करवाती है, प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है रेड लाइट का, इन सब के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ रेड लाइट ऑन फोटोपीरियडिज्म हमने देखा कि रेड लाइट जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करती है और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। लाइट क्वालिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट क्वांटिटी, यानी लाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी ये दोनों कोरिलेटेड होती हैं और ये दोनों मिलकर फ्लावरिंग के फिनोमेना को स्टिमुलेट भी कर सकती हैं और इनहिबिट भी करती हैं। डिस्कवरी ऑफ फाइटोक्रोम्स हमने स्टडी की कि फाइटोक्रोम्स आर द ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स और ये दो फॉर्म्स में होती है, P730 फाइटोक्रोम होता है और P660 डे टाइम में, P730 इज कन्वर्टेड टू P660 इन द डार्क एंड P660 इज कन्वर्टेड टू P730 इन द डे। यानी डे टाइम्स में प्लांट्स में फाइटोक्रोम्स जो होती है वो P730 की फॉर्म में होती है और डार्कनेस में या रात के टाइम में प्लांट्स में जो फाइटोक्रोम होती है वो P660 की फॉर्म में अवेलेबल होती है। Other factors like presence or absence of light or the length of dark or light period also influences flowering. हमने फ्लोरिजिन हार्मोन का रोल देखा, ये वो हार्मोन है जो लीव्स में बनता है और फ्लोएम के जरिए ट्रांसलोकेट होता है, फ्लोरल बड्स तक आता है, वहां आकर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वर्नलाइजेशन, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट विच इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन द बाइनियल्स एंड पेरिनियल स्पेशली, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। एंड द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द शूट एपेक्स और बाय द एम्ब्रियो, नॉट बाय द लीव्स एज इन केस ऑफ फोटोपीरियडिज्म। अबाउट 4 degrees centigrade टेम्परेचर इज सफिशियंट फॉर वर्नलाइजेशन। ड्यूरेशन मस्ट बी ऑफ 4 days to 3 months, यानी मिनिमम जो ड्यूरेशन है चिलिंग ट्रीटमेंट की वो 4 days होनी चाहिए और 4 days से लेकर 3 months तक मैक्सिमम होती है। इसके दरमियान में ही किसी ना किसी स्टेप पर प्लांट्स की फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हमने वर्नलाइजेशन के एडवांटेजेस देखे कि ये फ्लावरिंग को उस सीजन में करती है जो कि प्लांट्स के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। इसकी वजह से एक ही स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो चाहे जिस जगह पे भी लगाए गए हों उन सब की फ्लावरिंग एक ही सीजन में होती है, जिसकी वजह से उनमें क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट होती है, प्लस उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और जो नए बनने वाले प्लांट्स होते हैं दे आर वेरी वेल अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट एज वेल। विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर टुडेज लेसन, वी हैव प्रिपेयर्ड सम होम असाइनमेंट्स फॉर यू। आपने इस लेसन को अच्छी तरह से सुनना है, इसको बुक से स्टडी करना है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, इनके आंसर आपने सर्च करके अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करके रखनी है। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन फोटोपीरियडिज्म, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर शॉर्ट डे प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन डू लॉन्ग डे प्लांट्स फ्लावर, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज रेड लाइट इफेक्ट जर्मिनेशन, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू मीन बाय फोटोमॉर्फोजेनेसिस, क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज रेड लाइट अफेक्ट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर फाइटोक्रोम्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट प्रोवाइड्स द प्लांट विद अ क्लॉक फॉर मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच फैक्टर्स अफेक्ट फ्लावरिंग,
क्वेश्चन नंबर 10 इज विच हार्मोन अफेक्ट फोटो पीरियडिज्म एंड हाउ. क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफाइन वर्नलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर वर्नलाइजेशन एंड फॉर हाउ लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच हार्मोन अफेक्ट वर्नलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ डज वर्नलाइजेशन प्रमोट जेनेटिक वेरिएबिलिटी. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ डज वर्नलाइजेशन अफेक्ट रिप्रोडक्शन. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. विश यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.